अरे बेटा, मैं आराम से बात कर रही हूँ, इसका मतलब तेरे पापा जी तो अच्छे ही है ना। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से हो गया। मुझे टीचे की बेटी की डिटेल्स मिल गई है। क्या? चौधरी खानदान के मर्द खुशी में दिल लुटावे और गुस्से में भी कोई कंजूसी न करे। आखिर उस चुईया की किस्मत को घुटने टेकने ही पड़े। मिट्टी में सना होया कहां से आ रहा है? जा बेटा अपने कमरे में जा। कोई बात ना, जब थारा जी करे तब बता दे। अब तू जा, ना धोले अपनी सारी पुरानी गंदगी धोवा। जी तो मन्ने अपने सपने में भी ना मिली थी, यकीन ही ना हो रहा। आखिरकार हमेशा हमेशा के लिए उस कांटे से छुटकारा मिल गया, मन्ने भी और मारे छोरे को भी। अब तो जश्न होगा जश्न। क्यों नाची तू रोशनी? पैसों के लिए? एक बार मैंने बोल देती ना तो मैं खराब होता ना, तूने पैसे दे देता, तब मैं नाचने की जरूरत ना पड़ती। किस्मत का क्या भरोसा, कैसे करवट बदल ले। बस यही तक जुड़ी थी, आज छोड़ दिया किस्मत ने साथ हमारा। सारी पुरानी गंदगी धो। नील रुक जा। बच्चा नील बच्चा। नील रुक जा बच्चा नील। नील अपनी राशि को छोड़कर बच्चा नील। यही एड्रेस या यही है। चले या साहब रेवा, पर हम उनसे कहेंगे क्या? व्हाट वी टेल देम? कम ऑन आकर्ष, तुम तो कहानियां बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। सॉरी, हम कह देंगे कि कोई लॉटरी लगी है। या गुड गुड। जी कहिए।
जी हमें शिखा राजपूत से मिलना है। शिखा से? हाँ, उनकी लॉटरी लगी है। इन पेपर्स पे ना उनके साइन चाहिए थे ताकि उन्हें हम प्राइज अमाउंट दे सके। ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बोले जा रहे हैं? शिखा कैसे साइन कर सकती है? मतलब वो 18 साल की है, लीगली साइन कर सकती है। शिखा इस दुनिया में नहीं है। आज से 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी और उसके पापा की मौत हो चुकी है। शायद कोई गलतफहमी हो गई सर। रोशनी को दे जमील का भरोसा थी, उस रोशनी को जो ये झुमके सिर्फ मेरी नजरों के लिए पहनती, सिर्फ मेरी नजरों के लिए। और तूने क्या किया? हाँ, तूने मेरे झुमकों का तमाशा बना दिया। ये ले झुमके पहन के दिखा। अरे क्या हो गया, उतार क्यों नहीं? अरे क्या हो गया? नहीं, तूने मुझे पहनने को बोला था ना, मैंने पहन लिए। अब मैं 5 दिन पहनू या 5 मिनट, वो मेरी मर्जी। इस दिन तेरे ब्याह कर घर लाऊंगा ना, तुझे रोज सवेरे तेरे अपने हाथ से झुमके बनाऊंगा। अब फिर नाट के देखिए। अरे रोशनी, तेरे बात ही ले आना। हाँ दीदा लाई। लॉ के साथ ये उम्मीद भी चलती रहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही दिया तो मैंने इसलिए चलाया था ना कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर आपने तो मेरी झोली में और परेशानियां भर दी। मैं इतनी बुरी हूं? बोलिए, क्या मैं इतनी बुरी तो मैं अम्मा जी से जरूर ले लूंगी, चाहे जो हो जाए। और भाई मन ने उनका इतना सारा काम जो किया है, हाँ, तो इतनी बड़ी बला टाड़ने के बदले वो मन ने एक साड़ी तो दे ही सके हैं। नील, नील के बाद हो गई, क्यों बुला? यो सब थाल किसने मंगवाया? यो सब मार्टिन
मन ने तो खुद ना पता, मन ने लगा यो सब आपने मंगाया है। लागे है तू अपना दिमाग सुनार पे गिरवी रख के आई से। मैं क्यों मंगवाऊंगी यो सब, दिखा जरा। रामू यो सब किसने मंगवाए? नील बाबू ने मंगवाए। वो यो सब क्यों मंगवाएगा? बहू रानी तन्ने नील ने देखा था कहीं, और उन्हें हम सबको यहाँ क्यों बुलाया सर? अब मने ना पता दार जी, मैं भी यही सोचूं। और यो सब क्या है? हरी जी दार जी, तेरे को मालूम सर नील ने हम सब ने यहाँ क्यों बुलाया सर? दार जी मने ना पता है, वो नील भाई जी ने कहा था कि आप सबको यहाँ इकट्ठा कर दो। अरे तेरे को नहीं मालूम, बहू ने नहीं मालूम, तो फिर नील ने हम सब ने यहाँ बुलाया क्यों सर? अम्मा मैंने कहा था हरी को आप सबको यहाँ हॉल में इकट्ठा करने के लिए। पर क्यों? छोरे सब ठीक तो है ना? और यूसुफ के है धनी मंगवाए के? हाँ माँ। दारजी मैंने पता आप सब मेरा रोशनी से रोका करना चाहते हो, लेकिन मैं रोशनी से रोका नहीं करना चाहता। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि घर पे जब मुसीबत आए ना तो कड़वे तेल से दिया जला के ना घर की चौखट पे रख देना चाहिए, सारी अला बला टल जाती है। तला भी दे। ये भी जला दे, ये उधर रख दे। बात है छोरी, परेशान लग रही है। मैं का परेशान, थोड़ी सी थकान है। तने थकान? अरे सारा दिन तो पंखे की तरह नाचे है। काम के वास्ते तने कैसी थकान? मैं जानू कि तूने यो घर गिरवी ना रखा है, और ये बात मैं तेरे पापा जिसे नहीं बताऊंगी। मैंने मालूम है तूने पैसे नील से लिए ना, और ये बात तेरे मेरे और नील के बीच रहेगी। और नील की तो फिक्र ही ना कर, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो हर मुसीबत में तेरे साथ ही होगा। सीधा साथ तो तब देगा जब साथ होगा। तो लगता है वो कभी मेरे साथ ही नहीं होगा। ये अचानक क्या हो गया जो तुम रोकी के लिए मना कर रहे हो? हाँ छोरे, तू तो रोशनी से बहुत प्रेम करे है ना,
फिर अचानक मैं रोशनी से रोका नहीं, सीता प्यार करा कर। की कह रहा सा छोरे, होश में तो सा है? अन्ने मालूम सा है, मन ने जुबान बहुत साल पहले दे रखी सा है। ये अचानक क्या हो गया जो तुम रोकी के लिए मना कर रहे हो? हाँ छोरे, तू तो रोशनी से बहुत प्रेम करे है ना, फिर अचानक? मैं रोशनी से रोका नहीं, सीता प्यार करना चाहता हूँ। दारजी, अम्मा, मैं रोके के शुभ मुहूर्त वाले दिन रोशनी से रोका नहीं, सीता ब्याह करना चाहता हूं। और इसलिए मैंने सारा शगुन का सामान मंगवाया। शाबाश, खुश रहे छोरे। मैं डीजे से क्या कहूंगा? इतने सालों तक जिस बेटी को उन्होंने अपनी डायरी में जिंदा रखा, वो अब दुनिया में ही नहीं है। मैं क्या कहूंगा उनको? हाँ, मैं हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। बहुत सिंपल है डू, डीजे नहीं चाहती थी कि तुम इस सच को फॉलो करो, राइट? उन्हें ऐसा ही लगने दो ना कि तुम उनका वादा पूरा कर रहे हो। जिस झूठ से वो जिंदगी जी रही थी, हम उस झूठ को जिंदा रखेंगे। ठीक होगा आकर्ष, और इसी में सबकी भलाई है। फाइनली तुम्हारी लाइफ से इस चैप्टर का दी एंड होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बारे में सोच पाएंगे। हमारे बारे में मतलब? हम दोनों के बारे में। पर हमें अपने बारे में क्या सोचना है? और मैं लुक, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड रहे, राइट? हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मुझे तो रेवा, लुक, आई नो इतने टाइम में हमारे बीच काफी सारे इश्यूज हुए एंड वी फॉट लॉट। रेवा, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, हम दोस्त थे एंड हमेशा दोस्त रहेंगे, ओके? टैक्सी स्टैंड तक चलो, मैं डायरेक्टली वहीं मिलती हूँ।
देख आ गया ना वो तेरे पास। हाँ लगता है दोनों में फिर कोई झगड़ा होया है। कल्याणी भी आई है। चाची खुश रहे। प्रणाम चाची जी। खुश रहे। और नील तू वहां क्या कर रहा है? अंदर आ। अब ना चाची जी नील आज अंदर ना आ सके। क्यों क्या हो गया? वो चाची जी मन्ने आपसे जरूरी बात करनी से। आपकी इजाजत हो तो अंदर चले। हाँ हाँ अंदर चल के बात करते। लेकिन कल्याणी सब ठीक तो है ना? आप आइए तो। किस्मत का क्या भरोसा? कैसे करवट बदल ले? बस यहीं तक ही जुड़ी थी। आज छोड़ दिया किस्मत ने साथ हमारा। छोरी जल्दी आ अपने सास के पैर छू। चार दिन के बाद तू कल्याणी के घर बहू बन के जा रही है। तेरी और नील की शादी है। शायद भगवान की यही इच्छा थी कि तुम्हारे जरिए मैं अपनी बेटी से मिलूं। मेरा मतलब है कि तुम मेरी बेटी को ढूंढकर पता करो कि वो कैसी है।